अभी आपको कैसे करना है? हजार भी कहते हैं। बंद है ना सर? देखिए, एक तो ये है कि जो हमारी टेस्टिंग जो फैसिलिटीज है हमारी, उनको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ TRC में हमारे मेन टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ एस्टेब्लिश है, उसको हमें ऑगमेंट करना है। नंबर वन। नंबर टू, जो हमारी एग्जिस्टिंग कोविड सेंटर्स हैं जैसे स्टडी में है, तो उसको भी और फर्दर स्ट्रेंथन करेगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा, जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आई है, जो हिदायत जारी की गई है, उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसे में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को एडियर करना, उसके बाद जो वैक्सीनेशन है, खासकर जो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव है, कल से जो 45 एज से ज़्यादा एज ग्रुप है, अबव 45 एंड अबव, उनके लिए शुरू होने जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि वैक्सीनेशन जो हमारे सेंटर्स हैं, 76 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए हैं पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाकर अपना जो फर्स्ट डोज है वो लीजिए, और उसके बाद फर्दर हम इस पूरी जो कोविड वायरस जो सर्जिंग वायरस का एक यहाँ पर चल रहा है, वी विल बी इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं उनके अंदर वैसे भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, और लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, मैशियत को कितना नुकसान पहुंचा, उसके बाद लॉकडाउन से शिकारे वाले का क्या हुआ, दिहाड़ीदार मजदूर का क्या हुआ, वो सभी हम जानते हैं। तो इसलिए कोशिश ये है कि, और मैं आवाम से अपील भी करता हूँ कि हम सभी अगर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है अगर वो हम अडॉप्ट करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन, और लॉकडाउन कोई हमारे किसी के हक में नहीं है। लॉकडाउन जो है उससे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत जो लोअर इनकम ग्रुप से खासकर, वो बहुत सफ़र करते हैं, तो लिहाजा हमें ये जो इसका पूरा प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि हम अपना तहफ़ कर सकें और अपने फैमिली का तहफ़ कर सकें और पूरे